गरीब भाभी अमीर ननंद। रूपा एक बहुत ज्यादा गरीब लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन रूपा और उसकी माँ बाजार गए हुए थे। माँ, हमने सारा सामान खरीद लिया है, तो क्या अब हम लोग घर चलें? हाँ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना है। रूपा और उसकी माँ दोनों बाजार से घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं माँ, जल्दी चलो। दोनों माँ बेटी ने तेज तेज कदम बढ़ाए कि तभी उन्हें एक बस स्टॉप दिखाई दिया। माँ यहाँ आ जाओ। लेकिन अभी यहाँ खड़ा होकर क्या फायदा, हम तो भीग ही चुके हैं। फिर भी कम से कम हमारा सामान नहीं भीगेगा। दोनों माँ बेटी वहीं खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। वहीं बस स्टॉप पर राजेश भी बस का इंतजार कर रहा था। राजेश एक नजर बस के आने की राह को ताकता तो एक नजर रूपा को। आप दोनों को भी बस के आने का ही इंतजार है क्या? नहीं, मैं और मेरी माँ तो बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको जाना कहाँ पर है? यही गाँव में ही हमारा घर है। अच्छा। राजेश को बातों ही बातों में रूपा पसंद आ गई। कुछ देर में बारिश भी थम गई और रूपा और राजेश अपनी अपनी राह निकल गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन राजेश रूपा को अपने मन से भुला नहीं पा रहा था। इसीलिए राजेश उसे ढूंढने गांव आ गया। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे रूपा का कोई पता नहीं मिला। इसीलिए राजेश थक कर माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचा। हे माँ, मुझे अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी इस दुविधा को अब तुम ही हल करो। मैं नहीं जानता रूपा कहाँ है, अब उस तक पहुँचने के लिए तुम ही मेरे लिए रास्ता बनाओ। राजेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी मंदिर की घंटी बजी और जैसे ही राजेश ने पलट कर देखा तो वहां पर रूपा खड़ी हुई थी। राजेश ने वही मौका देखकर रूपा से अपने दिल की बात बोल दी। राजेश जी, आप अगर इस मामले में मेरी माँ से बात करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो रूपा मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। रूपा राजेश को अपने घर ले गई, जहाँ राजेश ने उसे सब कुछ बता दिया। मुझे सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए और कुछ नहीं। गरीब माँ ने खुश होकर राजेश के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। बेटा, मेरे पास मेरी बच्ची को देने को कुछ भी नहीं है, सिवाय एक आटा पीसने की चक्की के। बेटा, तू अपने दहेज स्वरूप ये चक्की अपने ससुराल ले जा। रूपा अपनी माँ से आशीर्वाद और आटा चक्की लेकर ससुराल पहुंची, जहाँ रूपा को देखकर उसकी सास और ननंद की तन बदन में आग लग गई। भैया, ये किस भिकारन से आपने शादी कर ली है? तमीज से बात करो नायरा, रूपा तुम्हारी भाभी है। अरे होगी भाभी, सुन रही हो भिकारन, अभी के अभी अपनी इस चक्की के साथ निकल जा मेरे घर से। ऐसे मत कहिए सासू माँ। माँ, अगर आप रूपा को इस घर में नहीं रखोगी तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अपनी बेटी की बात सुनकर प्रतिज्ञा चुप हो गई और उसने रूपा को घर में रख लिया। लेकिन रूपा ने अभी तक अपने दिल में रेत की जरे बराबर भी जगह नहीं बनाई थी अपने सास के दिल में। इसी तरह से रूपा को ससुराल में शाम हो गई। उसे किसी ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया था। हे भगवान, यहाँ पर तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। रूपा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी ननंद आई और रूपा के सामने एक डिब्बा रख दिया जिसके अंदर गेहूं भरे हुए थे। ये ले, अगर तुझे कुछ खाना है तो पहले इन गेहूं को पीस, तभी खाना मिलेगा। पर क्या पर? तू भले ही इस घर में है, लेकिन कभी भी खुद को इस घर का हिस्सा मत समझना। इस घर में रहने की जगह हम तुझे दे चुके हैं, लेकिन अपना गुजारा तुझे खुद ही करना पड़ेगा। नायरा ने बड़ी अकड़ पर ये बात बोली और फिर वहां से चली गई। बेचारी रूपा ने चक्की पर गेहूं पीस कर अपने लिए रोटियां बनाई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रूपा को उसकी ननंद और सास नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मम्मी, मैंने सुना है कि इन आने वाले 3 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मेरे तो बस की नहीं ऐसी गर्मी को बर्दाश्त करना, इसीलिए मैं और आप 3 दिन के लिए मनाली जा रहे हैं। अरे वाह, चल तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। दोनों की बात सुनकर बेचारी रूपा उदास हो रही थी। तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हें भी लेकर जाएंगे। मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, वो तुम गरीबों में आदत होती है ना, अमीरों का पीछा करने की, बस इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं ननन जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। रूपा ऐसे बोलते हुए कमरे में चली गई। अगली सुबह नायरा और प्रतिज्ञा अपनी छुट्टियों पर निकल गईं। माँ और नायरा जी तो नहीं है, क्या आज मैं पिसे हुए आटे से ही रोटियां बना लूं?
नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रूपा ने ऐसा बोलकर अपने गेहूं को चक्की में डाला और पीसना शुरू किया। माँ दुर्गा को उसकी ईमानदारी पसंद आ गई और उन्होंने चक्की में डाले हुए गेहूं को सोने में बदल दिया। ये कैसे संभव है? रूपा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ माँ दुर्गा स्वयं अपने दर्शन कराने रूपा के पास पहुँच गई। रूपा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें इस छोटे से तोहफे से नवाजा है। रूपा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ दुर्गा ऐसा बोलकर गायब हो गई। शाम को राजेश घर आया तो रूपा ने उसे इस घटना के बारे में बताया और उसे सोने के गेहूं भी दिखाए। ये तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का तोहफा है रूपा, जो स्वयं माँ दुर्गा ने तुम्हें दिया है। राजेश ने उन गेहूं को बेचकर अपना और रूपा का अलग घर बना लिया। जैसे ही रूपा की सास और ननंद को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। माँ, ये भिखारिन तो नसीब की बहुत ज्यादा तेज निकली। समझ नहीं आता ऐसे चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होते। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। अब राजेश का अपनी बहन के साथ मिलकर काम ना संभलने की वजह से नायरा को काम में बड़ा घाटा हो गया। माँ, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बस अब कुछ ही मिनटों में हमारा घर भी हमसे छीनने वाला है। दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थी। जैसे ही रूपा को इस बात का पता चला तो वो सीधा अपनी सास और ननंद के पास पहुंची। घबराओ नहीं माँ जी और ननंद जी, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो। बहू तू, हमने तो आपके साथ कितना गलत किया, तो आप हमारी मदद क्यों कर रही हो? परिवार की मुश्किल दिनों में परिवार ही साथ देता है, बस इसीलिए। और वैसे भी माँ और बहन कितना भी क्यों ना लड़ लें, उनसे रिश्ता थोड़ी ही खत्म होता है, और आप दोनों मेरी माँ और बहन की तरह ही तो हो। रूपा की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने रूपा से अपने किए के लिए माफी मांगी। राजेश और रूपा उन दोनों को अपने नए घर में ले आए, जहाँ पर सभी खुशी खुशी रहने लगे।